हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंटिन्यूस नॉलेज। तो आज का हमारा टॉपिक है लैटेंट हीट, कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट। तो आज हम लोग समझेंगे लैटेंट हीट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और लैटेंट हीट का क्या एप्लीकेशन है या हमारे डेली लाइफ में इसका क्या पार्टिसिपेशन होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो लैटेंट हीट समझते हैं हम लोग सबसे पहले। लैटेंट, लैटेंट का मतलब ही होता है हिडन, जो चीज़ वो हिडन हो उसे हम कहते हैं लैटेंट। तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन, और हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो वैसा हीट, वैसा एनर्जी जो छिपा हुआ हो उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो छिपा हुआ हो वैसा हीट जो छिपा हुआ होता है। तो इसे समझते हैं कैसे कैसे हम कह सकते हैं कोई हिडन होता है। तो सपोज़ करते हैं एक आइस लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक आइस क्यूब लेते हैं, दोनों को हीट करेंगे। आइस का तो हम जानते हैं टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है आइस का। और वाटर का हम लोग ले लेते हैं ऑलमोस्ट कुछ से मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वाटर का। अब दोनों को हम हीट करते हैं, तो सपोज़ करते हैं दोनों को हीट देते हैं, सेम हीट देते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस इसे भी देते हैं और 20 डिग्री सेल्सियस इसे भी देते हैं। तो जनरली क्या होगा, जब हम किसी चीज़ को हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जैसे वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, अगेन वाटर ही रहेगा ये, और टेम्परेचर इसका हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि हमने इसे 20 डिग्री हीट दिया। लेकिन इन केस ऑफ आइस में क्या होता है, जब हम लोग आइस को टेम्परेचर दिए 20 डिग्री सेल्सियस, तो आइस क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, लिक्विड में चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा, बट उसका जो टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो अब हमने जो हीट दिया 20 डिग्री सेल्सियस, ये गया कहाँ, ये क्या हो गया, ये एक तरह से यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है ना कि हीट जो दे रहे हम वो जा रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लैटेंट हीट, ये हिडन होता है। अब इसे समझते हैं कैसे, ये हीट जाता कहाँ है। तो कल हम लोगों ने एक्टिविटी किया था, उसे समझते हैं। कल हम लोगों ने क्या लिया था, एक इस तरह से हम लोगों ने बीकर लिया था, उसमें आइस लिए थे कुछ, ठीक है, फिर उसे हम लोगों ने हीट किया था। पहले मैं ले लेता हूँ बर्नर, सबसे पहले मैं एक थर्मामीटर लेता हूँ। थर्मामीटर से हम लोगों ने कल इसका टेम्परेचर मेज़र किया था, आइस का टेम्परेचर आता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या करते थे, उसे हीट देते थे, इस तरह से हीट देने के बाद हम लोगों ने उसे टेम्परेचर दिया। तो जब हम आइस को हीट करेंगे तो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो मेल्ट होता था, वाटर में चेंज होता था, बट फिर अगेन जब हम लोग उसका टेम्परेचर मेज़र करते थे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता था, टेम्परेचर नहीं बढ़ता था, ठीक है, फर्दर हीटिंग पे भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। तो वो मैंने बताया था वो टेम्परेचर कहाँ जाता था, जैसे जो सॉलिड है, यहाँ पे आइस है ना सॉलिड, उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से जो फिक्स होते हैं अपने पोजीशन पे, तो वो जो एनर्जी थी, वो जो हीट थी, वो जाता था इस जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड, इसे तोड़ने में वो एनर्जी लगता था, इसलिए वो एनर्जी हम थर्मामीटर में देख नहीं पाते थे। तो इसी एनर्जी को कहते हैं हम लैटेंट हीट, मतलब वो एनर्जी जो किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज होता है, या वो एनर्जी जो किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में ज़रूरत पड़ता है, उसे कहते हैं हम लैटेंट हीट। तो यहाँ पे तो हमने देखा था, जब फिर और फर्दर हीटिंग पे क्या होता था कि पूरा लिक्विड बन जाता था, और एक स्टेज ऐसा आता था कि बॉयल होना स्टार्ट हो जाता था। तो बॉयल होता था, तो उस समय हमने जब टेम्परेचर मेजर करते थे तो टेम्परेचर सडनली 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो पहुंच जाता था, जीरो था, फिर अचानक 100 डिग्री पहुंच गया। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, पूरा आइस मेल्ट हो जाता है और वाटर जो है वेपर में बनना चालू हो जाता है। तो फिर अगेन वहाँ पे क्या होता है ना, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, तब तक रहेगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जब तक पूरा वाटर वेपर में चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे भी लैटेंट हीट क्या होता है, यहाँ पे भी अब लिक्विड से गैस बन रहा है, तो यहाँ पे भी लैटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पे कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो दो 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 केसेस हम लोग देखें, दो पॉइंट पे, कि एक जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा था, फिर लिक्विड से वेपर हो रहा था, दोनों में हमें लैटेंट हीट लग रहा था। तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है ना, वो एनर्जी जो किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज़ होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसे कहते हैं लैटेंट फ्यूज़न। क्योंकि फ्यूज़न क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड, और वो एनर्जी जब लिक्विड से गैस में बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो तरह का होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज़ ऑफ
टू टाइप्स। पहला क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड होता है हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सिंपली हम कह सकते हैं वो एनर्जी जो किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में, या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है, बिना चेंज इन टेम्परेचर में, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था ना, जीरो था, तो जीरो ही रहा था तब तक जब तक पूरा आइस जो है, जो सॉलिड है, वो मेल्ट करके लिक्विड ना बन जाए और बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, फिर जब अगेन बॉयल होता था तो वो सडनली पहुँच जाता था 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर भी क्या होता था, कॉन्स्टेंट होता था, वहाँ पर लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट होता था। तो दो तरह का होता है, पहला जो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, वो हो जाता है फ्यूज़न, और जो एनर्जी, यहाँ पे हीट छोड़ दिया मैंने, हीट, लैटेंट हीट। तो मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ वन बाय वन, लैटेंट हीट और लैटेंट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन। सो ये हो गया हमारा लैटेंट हीट, द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, उसे कहते हैं हम लैटेंट हीट। आई मीन टू से वो हीट एनर्जी, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, जो ज़रूरत पड़ता है किसी मैटर के स्टेट को चेंज करने में, दैट इज सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर में, बिना किसी चेंज इन टेम्परेचर में, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। इसीलिए तो इसे कहते हैं लैटेंट हीट, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, हाइड हो जाता है, हिडन हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट में हम लोगों ने बात की थी, दो तरह का होता है, पहला हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन जूल, जूल में होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब क्या हुआ, जो हीट एनर्जी ज़रूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है जूल में, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे कहते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो ये आइस के लिए कितना होता है, ये अगर आइस को हम चेंज करते हैं लिक्विड में, तो जितना एनर्जी ज़रूरत पड़ता है वो होता है, रिक्वायर्ड होता है 3.34 × 10⁵ जूल्स पर kg। मीन्स 1 kg ऑफ सॉलिड ऑफ आइस को हमको चेंज करने में इतना एनर्जी लगेगा, 3.34 × 10⁵ जूल। उस तरीके से दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वो एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है हमें जूल में, चेंज इन 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज करने में, इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। दोनों में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसका जो होता है वाटर के लिए कितना होता है, वाटर को चेंज करना है वेपर में, तो इसका होता है समथिंग 22.5 × 10⁵ जूल्स पर kg। ये हो गया दो, तो ये आप नोट कर लें। और जैसे कुछ हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं लैटेंट हीट का, तो जैसे हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो हीट स्वेट जो है वो हमारे बॉडी से कुछ हीट एनर्जी अब्जर्व करता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो वो जो हीट एनर्जी अब्जर्व करता है ना, वो लैटेंट हीट के फॉर्म में होता है। क्या होता है कि वो जब हमारे बॉडी पे जो पसीना आता है, स्वेट आता है, तो वो हीट एनर्जी जो स्वेट होता है वो अब्जर्व करता है और हमारे बॉडी से वो इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या होता है, हमें कूल भी फील होता है, तो इवेपोरेशन तो ऐसे होता है, काउज करता है कूलिंग। तो यहाँ पे जो स्वीट जो टेम्परेचर को, जो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, वो लैटेंट हीट के फॉर्म में करता है। या फिर और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे फिश हो गया, फिश जो रहता है वो, उसे एक कंटेनर में रखा जाता है और ताकि वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सके, हम उसमें आइस रखते हैं, आइस के थ्रू उसे प्रिजर्व रखा जाता है। तो क्या होता है, जो आइस होता है ना, वो टेम्परेचर को, फिश के टेम्परेचर को, फिश के हीट को जो है वो ऑब्जर्व करता है खुद के पास और उससे ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखता है। जैसे किसी भी जो फ्लेशलेस हो गया, फिश हो गया, तो हम उसे लो टेम्परेचर पे ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रख सकते हैं। या फिर एक चीज़ हम लोग ने फील किया होगा या कभी सुना होगा, जो स्टीम होता है, भाप होता है, और वाटर होता है, दोनों अगर सेम टेम्परेचर ले, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल भी करता है और
वेपर में चेंज होता है। तो दोनों से जो सिवियर बर्न काउज होता है अगर कंपेयर करें तो स्टीम से, ऐसा क्यों होता है? दोनों का तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो ज़्यादा अगर अगर भाप लग गया हमें तो ज़्यादा जो गंभीर होगा ना, सिवियर बर्न होगा, वो भाप से होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टीम होता है ना, वेपर जो होता है, वेपर बनता है, उसके पास एक एनर्जी वो तो रहता है 100 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन उसके पास एक और एनर्जी जो लैटेंट हीट के फॉर्म में वो ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा हीट होती है, ठीक है? तो इसलिए हमें स्टीम से ज़्यादा सिवियर बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो ये होता है। अच्छा, एक और हो गया, जैसे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं या वाटर कुछ लेते हैं, तो उसको कूल करने के लिए हम लोग कुछ आइस मिलाते हैं। तो हम लोग आइस क्यों उसमें डालते हैं, हम लोग वाटर एट द सेम टेम्परेचर पे क्यों नहीं डाल देते हैं? हाँ, तो इसका आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएं, ऐसा क्यों होता है, हम लोग ज़्यादा प्रेफर आइस को क्यों करते हैं कंपेयर टू वाटर सॉफ्ट ड्रिंक में या फिर और भी चीज़ में डालने के लिए उसमें। तो ये तो हो गया, आज हम लोगों ने समझा लैटेंट हीट, लैटेंट हीट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लैटेंट हीट क्या होता है, इसके टाइप्स। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।